हरियाणा के किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। साथ ही बागवानी विभाग से मिलने वाले सहयोग से किसान आगे बढ़ना सीख रहा है। बागवानी विभाग से जुड़े किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही है और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए, इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। ऐसे ही एक किसान है कनीना उपमंडल के गांव सियाना निवासी प्रगतिशील किसान सुमेर सिंह, जो कि 10 साल से खेती कर रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले 2.5 एकड़ में आम और मौसमी का बाग लगाया था। प्रगतिशील किसान सुमेर सिंह बताते हैं कि उन्हें प्राकृतिक खेती करने का शौक है। सुमेर सिंह ने बताया कि बागवानी में उन्हें सरकार ने 50 रुपए पौधे के हिसाब से अनुदान दिया था। सरकार ने 1600 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2 वर्ष तक पौधों की देखरेख के लिए दिए थे। 4वें वर्ष पौधों ने फल देने शुरू कर दिए थे। किसान ने बताया कि हर वर्ष मौसमी के बाग को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके पर देते हैं। सर, मेरा नाम सुमेर सिंह है, सन ऑफ दरियाल सिंह, गांव छाणा का हूं मैं। मैंने ये 10 साल पहले बाग लगाया था और ये हरियाणा के जो हरियाणा इजराइल जो है इंडो इजराइल नर्सरी है मांगेवाड़ा, वहां से ये पौधे मैंने मंगवाए थे। सरकार ने 50 रुपया हर पौधे के हिसाब से पेमेंट करी थी, हमें पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे। उसके बाद 2 साल तक हमने इसका 1600 रुपये मेंटेनेंस का खर्चा दिया गया था। 4थे साल हमारे फ्रूटिंग शुरू हो गई। उसके बाद से हम हर साल अक्टूबर ठेका उठा देते हैं और ठेके वाले इसको ले जाते हैं तोड़ के फ्रूट को। तो उसमें क्या आमदनी हो जाती है आपको पर एकड़? पर एकड़ कम से कम 1 लाख के करीब होती है। तो आपने कितने एकड़ में ये बाग लगा रखे है? ये 2.5 एकड़ में लगा रखे है। तो इसमें कौन कौन सी वेराइटी के आपने पौधे लगाए हुए हैं? पौधे इसमें मैंने लगा रखे है जी 700-800 आम के पेड़ है, 12 पेड़ के लेसवा के हैं, 1 पेड़ लेसवा नहीं आंवला के हैं और 1 पेड़ लेसवा का है जी, 1 बेलगिरी का है, 16 पेड़ मेरे पास सागवान के हैं जो भारी पेड़। बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर केवल सफल खेती कर रहे हैं बल्कि कम समय में 2 गुना लाभ भी कमा रहे हैं। पहले किसानों को कृषि कार्य पूरा करने में एक लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों की मदद से किसान उसी काम को कम समय में आसानी से पूरा कर सकते हैं। किसान ये समझ रहा है कि कैसे कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। किसान सुमेर अपने बाग में लगे आम के पौधों की वैरायटी के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया कि आम की भी कई वैरायटी लगा रखी है। एक आम के पेड़ पर हर साल करीब 5 से 7 क्विंटल फल लगता है। आम के जो पौधे आपने लगा रखे हैं, ये कौन कौन सी वैरायटी के पौधे आपने लगा रखे हैं और कितना इनसे प्रोडक्शन हो जाता है? सर, मेरी सिरोली आम है, कलंगड़ा है, केसन दुशेरी है और ये केसर है और एक ये है कजली। 7 मेरे पास पेड़ हैं आम के, 7 बड़े अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं। कम से कम भी एक एक पेड़ में 5-5, 7-7 क्विंटल आम निकलता है। प्रगतिशील किसान सुमेर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने बाग में इंटर क्रॉप भी चने और गेहूं की फसल लगाई है, जिसमें चने का 22 मन और गेहूं के 40 मन का प्रति एकड़ उत्पादन हुआ था। प्रगतिशील किसान ने बताया कि वे नहर के पानी से सिंचाई करते हैं, जिससे उनके बाग के फल खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे होते हैं, जिसकी बिक्री भी आसानी से हो जाती है। उनके पास 6 एकड़ भूमि है, जिसमें प्राकृतिक खेती आधुनिक तरीके से करते हैं। जिससे उन्हें बेहद मुनाफा होता है। वहीं इंटरक्रॉप में
खाने के लिए सब्जियां लगाते हैं। प्रगतिशील किसान सुमेर सिंह का मानना है कि किसान कम भूमि में भी प्राकृतिक तरीके से खेती कर और बागवानी कर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुल जो 2.5 एकड़ में आपने बाग लगा रखे है, इसमें कुल कितने पौधे होंगे? इसमें 250 के करीब। जी, तो इसमें आप इंटरक्रॉप में भी कोई फसल लगाते हो? हाँ जी, लगाता हूँ। तो कौन सी फसल लगाते हैं और क्या आमदनी होने की उम्मीद रखती है उनसे? गेहूँ भी लगाए हैं जी मैंने, चने भी की बिजाई करी है बीच बीच, और बड़ी अच्छी पैदावार आती है। चना तो मेरा 17 मन जो है किला गया और आई थी एक बार, तो दोबारा 22 मन की आई थी। और गेहूँ की हमने नपाई तो तोली तो करी नहीं, कभी गेहूँ इनके बीच के छोड़ देते हैं, कभी चने छोड़ देते हैं, कभी मूंग। आज का किसान जैविक खेती और उससे होने वाले लाभ को भली भांति समझ रहा है। हालांकि अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती नहीं जानते, और ऐसे ही किसानों के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है जिससे भी बेहद आसानी से जैविक खेती से जुड़ सके। कृषि विभाग से मिलने वाली मदद और जानकारी किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। जो किसान जैविक खेती को अपना चुके हैं वो खुद इसके फायदे बताते हैं। जैविक खेती भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती ही है, साथ ही इससे रासायनिक खाद पदार्थ पर किसान की निर्भरता कम होने लगती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि आने से किसानों को सीधा मुनाफा हो रहा है, और आज जैविक खेती समय की मांग और जरूरत बन गई है। अधिक उत्पादन के लालच में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग खेत के लिए हानिकारक हो रहा है। हाइब्रिड बीजों और अधिकाधिक भूजल दोहन से भूमि की उर्वरा शक्ति, उत्पादन, भूजल स्तर और मानव स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। कई किसान तो खेती की बढ़ती लागत और बाजार पर पूरी तरह निर्भरता के चलते घाटे के कारण खेती छोड़ने को भी मजबूर होने लगे थे। लेकिन प्राकृतिक खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है, और जिन किसानों ने खेती छोड़ने का फैसला किया था और वो किसान भी प्राकृतिक खेती को समझ और सीख कर मुनाफा कमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती का काफी अच्छा परिणाम किसानों को मिल रहा है। सूबे के कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों में इस पद्धति से खेती करते हुए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज के समय में प्राकृतिक खेती से जुड़कर किसान सिर्फ अपना फायदा ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी बचाने का काम कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुमेर सिंह ने बताया कि वो अपने बाग में प्राकृतिक खेती करते हैं। क्या कोई रासायनिक खाद का भी इसमें प्रयोग करते हैं आप? ना जी, बहुत कम करता हूँ। प्राकृतिक खेती करते हैं? प्राकृतिक खेती, देसी खाद कुल्डी का डलवाते हैं, और वही आप भी, मैंने जो सही ये वर्मी कंपोस्ट के कट्टे मंगवा रखे हैं 12, एक किला में न एक लाइन, एक किला में 10 कट्टा डालूंगा। तो ये जो आपके किन्नू मौसमी वगैरह पैदा होते हैं जिनका उत्पादन होता है, उनकी बिक्री आप कहाँ पे करते हैं? इसकी बिक्री जो हम ठेके पे देते हैं, और वो ठेकेदार अपने आप तोड़ के इसको फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, इन बड़े कस्बों में ले जाते हैं। मौसमी का जूस की जूस निकलता है इनका। आप इसमें सिंचाई कौन सी विधि से करते हैं? सिंचाई तो इसको दोनों सिस्टम, एक तो नहर का पानी है, नाले से देते हैं खुला पानी, और दूसरा हमारे पास ट्यूबवेल है, कभी नहर की दिक्कत पड़ती है तो हम ट्यूबवेल। बागवानी से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही है, और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसान को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। सरकार का मकसद है उन किसानों को खेती के लिए प्रेरित करना जो आज खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। हरियाणा में आज का किसान महज किसान नहीं बल्कि प्रगतिशील किसान बनकर सामने आ रहा है।